Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue the 7th part of Ranga's marriage. 7th part mein bachcho glossary lekar aaye hain, lekin usse pehle ek baar kahani ko fir se bahut hi short mein aapko samjha dete hain. देखिए जो रंगाज मैरिज कहानी थी उस कहानी में एक तो नरेटर होता है यानी कहानी सुनाने वाला, दूसरा रंगप्पा मेन कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर है रत्ना और चौथा कैरेक्टर है शास्त्री. लगभग जो मुख्य पात्र हैं यही हैं. इन्हीं लोगों के आसपास कहानी चलती है और जो राइटर है उस राइटर का नाम इस कहानी में श्यामा दे रखा है. ठीक है, तो देखिए कहानीकार कहानी सुना रहा है कि होशहाली गांव में बहुत ही साधारण लोग रहते हैं. वहाँ पर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती. वहाँ के अकाउंटेंट का बेटा बेंगलोर जाता है पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से वो जब लौटता है तो वो अंग्रेज़ी सीख करके आता है. गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं उसको देखने के लिए कि कहीं वो बदल तो नहीं गया, कुछ अलग तरह का तो नहीं हो गया. लेकिन सब जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जिसका नाम रंगप्पा है उसको रंगा रंगा बुलाते हैं कि कोई भी परिवर्तन रंगा में नहीं हुआ है. यहाँ तक कि एक बूढ़ी माँ वो देखती है कि वो जनेऊ भी धारण किए हुए है, तो इसलिए उसे लगता है कि रंगा अपने कल्चर को साथ में लेकर के चल रहा है, वो बदला नहीं. अब जब सारे लोग सारी भीड़ छट जाती है उसको देखने आए हुए लोगों की, तो जो श्यामा है जो कहानी का नरेटर है वो रंगा के पास जाता है, उससे हालचाल लेता है. तो वो बहुत ही साधारण लड़के के समान रंगा उत्तर देता है, बड़े अच्छे से उससे उसका चरण स्पर्श करता है और फिर उसके बाद दोनों आपस में बातें करके हालचाल ले देकर श्यामा अपने घर चले आते हैं. एक दिन रंगा श्यामा के घर आता है और वो दो संतरे लेकर आया है उनको देने के लिए. आपस में बातचीत होती है, तभी श्यामा पूछते हैं कि रंगा अब तुम विवाह योग्य हो गए हो तो तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए. इस पर रंगा कहते हैं कि जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, इसलिए अभी मैं शादी करने का विचार नहीं रखता अपने मन में. इसको सोच ये सुन करके जो श्यामा है वो थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि मैं रंगा की शादी करा करके ही रहूँगा. तभी उनके एक मित्र रामा राव जिनका नाम है, उनके घर में उनकी भांजी रहती है जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वो बहुत ही अच्छी सुशील लड़की है. एक दिन श्यामा जब उधर से गुज़र रहे थे उनके घर जाते हैं तो वो रत्ना से अक्सर बातचीत किया करते हैं. तो क्या होता है कि रत्ना भी बड़े मज़े से श्यामा जी से बातचीत करती है, यानी बहुत खुली हुई है उससे. तो उनका विचार आता है कि रत्ना रंगप्पा के लिए सुयोग्य कन्या होगी, विवाहित हो. तो वो क्या करते हैं, वो रामा राव के परिवार में कहते हैं कि रत्ना को किसी दिन मेरे घर भेज देना, मुझे कुछ सामान आपके यहाँ पहुँचाना है. वो क्या था, मट्ठा होता. तो शुक्रवार का दिन था, रत्ना सज के और श्यामा के घर जाती है मट्ठा लेने के लिए.
तो श्यामा उसको बैठाते हैं और कहते हैं, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो, इसलिए तुम कोई गाना मुझे सुनाओ। इस बीच वो किसी व्यक्ति को भेज देते हैं रंगप्पा को बुलाने के लिए अपने घर। जब रत्ना गाना गा रही होती है तब रंगप्पा आ जाता है और बाहर से ही गाना सुनने लगता है। गाना इतना मधुर होता है कि वो उसके गाने में खो जाता है, लेकिन उस गाने वाली को वो देखना चाहता है, उसके लिए वो बड़ा व्याकुल होता है। जैसे ही रत्ना को पता चलता है कि कोई अनजाना व्यक्ति आके खड़ा हो गया है, वो तुरंत अपना गाना रोक देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर के जब वो पलट के देखती है तो दोनों की निगाहें मिल जाती हैं, रंगप्पा की और रत्ना की। ये बात श्यामा देख लेते हैं। अब आगे श्यामा रंगप्पा से कोई विचार बात नहीं करते विवाह के लिए, वो यूं ही उस दिन जाने देते हैं। फिर वो जाते हैं गांव के शास्त्री के पास। वहां जा कर के वो शास्त्री को पहले ही बता देते हैं कि मैं रंगप्पा को लेकर आऊँगा और तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारे सितारे इतनी समय विवाह के लिए तैयार हैं और तुम रत्ना नाम की लड़की से विवाह कर सकते हो। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। शास्त्री स्वीकार करते हैं। श्यामा रंगप्पा के घर जाता है, उसके हालचाल पूछता है और कहता है कि तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। मेरा भी विवाह करने के लिए जब लड़कियां ढूंढी जा रही थी तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी। तो वो रंगप्पा को लेकर शास्त्री के यहाँ आते हैं। शास्त्री से पूछते हैं कि इनके परेशानी का कारण बताइए। शास्त्री संकेत देते हैं कि इनका विवाह ऐसी लड़की के साथ होगा जिसका नाम सागर से संबंध रखने वाली किसी भी वस्तु से हो। उन्होंने एक नाम सुझाया कमला, दूसरा नाम सुझाया मौस, तीसरा था पच्ची। लेकिन इन तीनों ये तीनों नाम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो श्यामा ही कह देते हैं, क्या रत्ना नाम हो सकता है, क्योंकि सागर से रत्न भी मिलते हैं। तो शास्त्री जी कहते हैं हो भी सकता है। फिर शास्त्री जी से श्यामा पूछते हैं, यदि हम उनके घर जा कर के बात करेंगे तो कोई अच्छा नतीजा निकलेगा? शास्त्री कहते हैं कि ज़रूर निकलेगा। तो अब श्यामा जाते हैं रत्ना के घर ये जानने के लिए कि उनके घर के लोग उनके विवाह के लिए तैयार हैं कि नहीं। और बीच में कहीं से श्यामा को पता चलता है कि रत्ना का विवाह एक वर्ष पूर्व हो चुका है। इस बात की जानकारी जब वो रंगा को देते हैं तो रंगा एक बार फिर मुरझा जाता है। फिर वो कंफर्म करने जाते हैं कि क्या वास्तव में रत्ना का विवाह हुआ था, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये सूचना गलत थी, रत्ना का विवाह अभी नहीं हुआ है। यह सुनकर के रंगप्पा फिर प्रसन्न हो जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है। इस बात को 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 10 वर्षों के बाद रंगप्पा के घर से इनविटेशन आता है श्यामा के यहाँ कि आज उनका डिनर उनके घर पर है। कारण पूछने पर पता चलता है कि उनका बेटा जो 3 वर्ष का हो गया है उसका जन्मदिन है। तो वो कहते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा और वो जाते भी हैं। जाते हैं तो उनको पता चलता है कि रंगप्पा की पत्नी रत्ना 8 महीने के प्रेग्नेंट है और वो हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि उसकी देखभाल करने के लिए और माँ का के साथ भोजन पकाने के लिए कोई और है कि नहीं है, या ज़बरदस्ती तुमने मुझे बुला लिया है अपनी माँ को परेशान करने के लिए।
तो रंगप्पा कहता है कि नहीं, मैंने अपनी एक बहन को भी बुलाया है और मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है सबकी देखभाल के लिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो श्यामा नाम का बच्चा बहुत तेज़ी से, जो 3 वर्ष का है, वो दौड़कर आता है और ये जो हमारे राइटर श्यामा हैं इनके पैर को पक्कस के पकड़ लेता है। जब उन्हें पता चलता है कि रंगप्पा ने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है तो वो कहते हैं कि ये तो इतना खूबसूरत है, इतना गोरा है, इतना सुंदर है, इसका नाम इसके ऊपर सूट नहीं करता, तुम्हें श्यामा नाम नहीं रखना चाहिए था। तो इस पर रंगप्पा कहते हैं कि अंग्रेज़ जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसका नाम वो अपने बच्चों के नाम पे रख देते हैं, तो क्योंकि आपने मेरा और रत्ना का विवाह कराया था, हमें आपका नाम बहुत अधिक प्रिय था, हमारे जीवन के लिए वो बहुत महत्व रखता था, इसलिए हमने अपने बेटे का नाम श्यामा रख दिया। इस पर जो राइटर श्यामा हैं वो एक छोटी सी अंगूठी लाए रहते हैं उस बच्चे के लिए और उसके उंगली में वो अंगूठी पहना देते हैं। तो इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है बच्चों कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ग्लॉसरी की तरफ। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी आए हैं जिसका अर्थ आपको जानना परम आवश्यक है। ब्रीड काइंड, फोक कॉमन पीपल, परसू कंटिन्यू, फैंसी फनी, मेंशन रेफरेंस, कार्टोग्राफर मैप मेकर, एब्सोल्युटली परफेक्टली, ऑब्जेक्ट टू अपोज, पेस्टर्ड ट्रबल्ड, सोरनेस टार्टनेस यानि खट्टापन, फीस्ट टू बिहोल्ड सो प्लीजिंग टू द आईज, डिसग्रेसफुल इंसल्टिंग, चेंज स्मॉल कॉइन्स रेजगारी जिसको कहा जाता है, मटरिंग मम्बलिंग, कमोडिटी थिंग, डिकेड अ पीरियड ऑफ 10 years, परफॉर्मिंग शोइंग ट्रिक्स, इमेच्योर इम्परफेक्ट, स्टफ अपराइट, मियरली ओनली, कंसिडरेट काइंड हार्टेड, रिसेंटली सम टाइम फैक्ट, चैटिंग टॉकिंग, मेड अप माई माइंड डिटर्मेंड निश्चय कर लेना, ग्लांस्ड लुक्ड, ओड टेक एन ओथ, बिट्रे शो, एक्साइटमेंट जॉय, बोर्ड ऑफ बियर ऊब जाना या ऊब गया, मार्वलस वंडरफुल, चाइल्डिश फूलिश, कैलकुलेशन रेकनिंग, मॉस बॉग जिसे काई कहा जाता है, प्रोटेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये थे बच्चों इस स्टोरी में आए हुए हार्ड वर्ड्स। इनको आपको अपनी क्लासों कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको क्लासों कॉपी में लिखने हैं वो ये हैं। व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होशाहाली? व्हाट आर द 2 स्पेशल produce of Hoshahali and in what respect? How did the old lady satisfy herself about Ranga? How did the narrator let Ranga have a glimpse of Ratna? How did the narrator handle Ranga's inquiries about Ratna? तो ये थे short questions जिनके answers आपको ढूंढ के और copy में लिखने हैं, और इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो ये हैं, पहला है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट। दूसरा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नरेटर्स 2 मीटिंग्स विद रंगा
आफ्टर द लेटर्स रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर व्हाट ओपिनियन डिड ही फॉर्म अबाउट द यंग मैन। अब ये दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में और याद करना है। बच्चों जब ये काम आप कर लें, क्वेश्चन आंसर्स लिख लें, तो चेक करने के लिए मेरे पर्सनल नंबर पर भेज दीजिए फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पे, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं कि आपके प्रश्नों के उत्तर कितने सही हैं और कितने गलत। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, आज ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू।